हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो, फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज रन कर रहे हैं वन डे वन टॉपिक की, और आज मैं आपके लिए फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को लेके आई हूँ जो है हमारी डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड। हम ऑलरेडी डिविडेंड की रेलिवेंट और इररेलीवेंट थ्योरीज को कवर कर चुके हैं। हमने वॉल्टर मॉडल कवर किया था एंड ग्राहम एंड डॉट मॉडल कवर किया था, लिंटनर मॉडल कवर किया था, मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच भी हम पढ़ चुके हैं एंड गॉर्डन अप्रोच भी हमने पढ़ ली है। एक थ्योरी और बच रही थी तो मैंने सोचा वो भी आपको मैं करा दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड पिछले साल जो अभी रीसेंट पेपर हुआ था कॉमर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्या पता इस बार आपका मैनेजमेंट में आ जाए, तो हमें कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। इस वजह से ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। ये थ्योरी देखो, रेसिडुअल का मतलब आप क्या समझ रहे हो, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं। रेसिडुअल माने क्या होता है, बच जाना, है ना, रेसिडुअल जो बची हुई चीज होगी, राइट। अब ये थ्योरी भी हमारी इररेलीवेंट थ्योरी में आती है। इररेलीवेंट थ्योरी क्या कहती थी कि आप डिविडेंड दो या मत दो, उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डिविडेंड एक्ट एज अ इररेलीवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म, आई कैन से दैट, ठीक है। तो रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड भी सेम चीज कहता है कि आप डिविडेंड दो या मत दो, इससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इट इज इररेलीवेंट। तो आपको ध्यान किसकी तरफ देना है, आपको ध्यान अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ देना है कि अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक आ जाती है, तो आप उसको कैसे फाइनेंस करोगे, वहां कैसे पैसा लगाओगे। तो बेस्ट टेक्निक इज आप कैसे उसको फाइनेंस करो, बाय द रिटेन्ड प्रॉफिट। आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मत दो, आप क्या करो उसको रिटेन करके रख लो फॉर द मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसको आपको फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो आप वो फाइनेंस कैसे करोगे, बाय यूजिंग दैट प्रॉफिट जो आपने रिटेन करके रख रखा है और अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया है, ठीक है। पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखो। देखिए मैंने नेक्स्ट लाइन में इंक्लूड किया है कि डिविडेंड हमारा किस पे बेस्ड होता है, डिविडेंड देना या ना देना किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपकी कंपनी की कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास कि फ्यूचर में मेरा, हाँ मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। और आपके पास कितना अवेलेबल फंड है इंटरनली जो आपने प्रॉफिट रिटेन करके रख रखा है, जो आपने डिविडेंड नहीं दिया है। आप कब दोगे डिविडेंड, जब आपने सारे ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को फाइनेंस कर लिया होगा, उसके बाद अगर कोई पैसा आपके पास बचता है, अगर उसके बाद आपके पास प्रॉफिट बचता है, देन उस प्रॉफिट को आप शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको बात समझ आ गई। सबसे पहले आप ये चेकआउट करो कि आपके पास आपकी कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास फ्यूचर में कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद वो चीज देखो कि आपके पास कितना इंटरनली फंड है जिसके थ्रू आप उस चीज को फाइनेंस कर सकते हो। उस चीज को फाइनेंस करने के बाद भी अगर आपके पास प्रॉफिट बचता है, देन आप उस प्रॉफिट को फिर शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो दिस इज अबाउट द रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड की जो बचेगा आफ्टर फाइनेंसिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, देन आप उस चीज को बांटेंगे वरना नहीं बांटेंगे। तो दिस इज द इररेलीवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं कि आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दोगे तो उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा ही नहीं। आप एक बात बताओ, आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है कंपनी में और आपने डिविडेंड तो बांट दिया, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं बचा उसमें री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ऐसा भी आपको डिविडेंड देने का क्या फायदा कि आप उनकी ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हो। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी, जब आप उनके प्रॉफिट्स को रिटेन्ड करोगे और उनको री इन्वेस्ट करोगे इन दी फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तभी तो पैसा बढ़ेगा। ये थोड़ी है कि आज आप उन्हें डिविडेंड दे दो, कल की डेट पे आपके पास पैसा ही नहीं बचता री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं शेयर होल्डर का वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगा, जब आप रिटेन करके रखोगे प्रॉफिट, और आपके पास अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो वहां पे क्या करो, री इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो उस केस में तो भाई तुम अपना प्रॉफिट सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अमंग दी शेयर होल्डर।
अब एक चीज और है इसमें, मैंने आपको बताया कि डिविडेंड का कोई भी पैसिव रोल है, मतलब मैं कह सकती हूँ डिविडेंड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है देना या ना देना। इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, आप उसको फाइनेंस कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कैसे फाइनेंस करोगे उसे रिटेन्ड प्रॉफिट्स की हेल्प से करोगे, ना कि आप डिविडेंड दे के करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिविडेंड डिसीजन इज अ पैसिव डिसीजन। कैसा डिसीजन है भाई? पैसिव डिसीजन है। इसका कोई भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ाने में, किस चीज के शेयर्स के। कंपनी ये सोचेगी, फर्म ये सोचेगी कि मैं कितना रिटेन करूं, ना कि ये कि वो कितना दे, डिविडेंड दे। यहाँ पे कंपनी अगर वो इस थ्योरी को फॉलो करती है तो वो क्या देखेगी कि हाउ मच आई शुड हैव टू रिटेन द प्रॉफिट्स, कितना मैं रिटेन करूं, बल्कि ये नहीं सोचेगी कि मैं कितना डिविडेंड पे करूं। यहाँ पे उल्टी चीज दे रखी है कि आप ये सोचो कि आपके फ्यूचर के लिए आपको कितना प्रॉफिट रिटेन करके रखना है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स। शेयर होल्डर्स का कोई भी कंसर्न नहीं रहता है, अगर फ्लक्चुएशन आप कर भी रहे हो डिविडेंड में तो वो आपसे कंप्लेंट्स नहीं करते हैं। क्यों कंप्लेंट नहीं करेंगे भाई? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे को फ्यूचर कैपिटल गेन्स होने वाले हैं। अगर अभी डिविडेंड नहीं भी मिल रहा है कंपनी से तो फ्यूचर में मुझे जो वो री इन्वेस्टमेंट करेगी अपॉर्चुनिटीज के अंदर, वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो मुझे फ्यूचर में कंपनसेट कर दिया जाएगा। इस वजह से शेयर होल्डर इतना ज्यादा कंसर्न शो नहीं करते हैं डिविडेंड की वैल्यूज फ्लक्चुएट होती है। तो डिविडेंड आर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रेसिडुअल प्रॉफिट। रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब अगर बच गया प्रॉफिट आफ्टर रिटेनिंग द प्रॉफिट फॉर फाइनेंसिंग द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन्हें फाइनेंस करने के बाद अगर मेरे पास प्रॉफिट बचता है, रेसिडुअल बचता है, तभी मैं डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दूंगी, वरना नहीं दूंगी। मैं यहाँ पे क्या प्रीफर करती हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा फाइनेंस करने की कोशिश करती हूँ बाय यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन प्रॉफिट्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। थ्योरी बहुत छोटी सी थी बट समझानी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं ये टॉपिक, ये थ्योरी आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। क्योंकि अब देखो ये वाला इनका पेपर में आ चुका है, कॉमर्स वालों का पेपर में आया था ये क्वेश्चन, और अगर मैं इस चीज को नहीं पढ़ाऊंगी तो कुछ कुछ बच्चे इस चीज को एमएम थ्योरी लगा के आ जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारा एमएम थ्योरी में भी बात करी गई है। बट यहाँ पे इसका आंसर क्या है, रेसिडुअल थ्योरी है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड द फर्म शुड अलाउ इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स एंड पेइंग आउट डिविडेंड इफ एंड ओनली इफ फंड्स आर अवेलेबल। मतलब पहले सारे के सारे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप उसे फाइनेंस करिए और डिविडेंड तभी दीजिए जब आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। ये चीज किस थ्योरी में कही गई है? अब मैंने आपको पढ़ा दी कि किस थ्योरी में कही गई है भाई, रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड में ये चीज क्लियरली कही गई है कि पहले आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइनेंस करिए बाय यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग, और अगर आपके पास प्रॉफिट बचता है, रेसिडुअल में अमाउंट बचती है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो दिस इज दी आप कह सकते हो सम अप ऑफ द रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डाले, ये आपकी पुरानी थ्योरी से ही है। जिसने पुरानी थ्योरी वीडियो से कवर नहीं करी है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको लिंक्स शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके सारी थ्योरीज को कवर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन एमएम थ्योरी पे बेस्ड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप बताइए कि डिविडेंड हमारा इम्पैक्ट डालता है वैल्यू ऑफ द फर्म का नहीं। अब आप बताओ एमएम थ्योरी रेलिवेंट थ्योरी है या इररेलीवेंट थ्योरी है? ये एक इररेलीवेंट थ्योरी है। अब मैंने आंसर आपको बता दिया कि इररेलीवेंट थ्योरी है, तो अब मुझे बता दो कि डिविडेंड का इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म पे। तो ये आपका रहता है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेसिडुअल थ्योरी पे ही बेस्ड है कि रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड सजेस्ट दैट डिविडेंड्स आर डैश टू द फर्म। डिविडेंड कैसा होता है भाई, वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए कैसा होता है? रेलिवेंट होता है, इररेलीवेंट होता है, इंटीग्रल होता है, रेसिडुअल होता है। ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो आज आपका होमवर्क रहने वाला है वो है ये मैं समझा देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट में करके बताइए। अकॉर्डिंग टू द रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड इफ द फर्म्स इक्विटी नीड्स एक्सीड द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, अगर किसी भी कंपनी को मतलब रिटेन अर्निंग से भी ज्यादा उसकी मतलब अमाउंट की नीड है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो उस केस में क्या करेगा? मतलब रिटेन अर्निंग आपने रख रखी है बट उससे ज्यादा भी कंपनी को इक्विटी की जरूरत पड़ रही है, फंड्स की नीड पड़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू द रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड वो क्या करेगा बताओ भाई? बोरो करेगा पैसे कैश डिविडेंड देने के लिए, सेल करेगा स्टॉक जिससे कि वो कैश डिविडेंड दे सके,
कोई भी डिविडेंड नहीं देगा या इस डिसीजन पॉलिसी को कंसीडर ही नहीं करेगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि वो ठीक है आपके हिसाब से, वो भी चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जब मुझे मतलब मेरे पास कोई पैसा ही नहीं बच रहा है तो मुझे उस केस में क्या करना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इन शॉर्ट आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो आज की पसंद आई हो। ऐसी ही चैनल के साथ बने रहिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आने वाली हूँ, मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग द वे यू आर डूइंग। जेआरएफ हमारा दूर नहीं है, बस इसी तरह हमें पढ़ते रहना है और शेयर करते रहना।